नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सवाल ये बना हुआ है कि आखिर आंदोलन पर किसान बैठे हैं, 25 दिन बीत गए हैं, समाधान कैसे निकलेगा। 26वां दिन है आज आंदोलन का, और एक तरफ सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है तो दूसरी तरफ किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। किसानों ने आज से आंदोलन को बड़ा करने का प्लान तैयार किया है। क्रमिक अनशन से लेकर टोल प्लाजा पर कब्जे तक रणनीति तैयार की गई है। सवाल लेकिन ये उठता है कि किसान बातचीत से समाधान से पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर बात नहीं होगी तो रास्ता कैसे निकलेगा। क्या सरकार का रुख अड़ियल है या किसान भी कोई छूट देने को तैयार है, तो इसी पर आज सुबह की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है। देश के किसानों के सम्मान में पूरे खुले मन से केंद्र सरकार संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समुचित समाधान के लिए प्रयासरत है। ये चिट्ठी कल भेजी गई है किसान संगठनों को। अतः भारत सरकार द्वारा वर्तमान आंदोलनरत किसानों के सुझावों के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले हैं और उनको भी सुझाव देने का अवसर प्रदान किया गया है। भारत सरकार की तरफ से लगातार आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता का प्रयास किया जा रहा है। अतः विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं को पूर्व आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के समझ रख चर्चा शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा फिर से वार्ता के लिए सुविधा अनुसार तिथि अवगत कराने का कष्ट करें। यानी सरकार ने किसानों से ये पूछा है कि वो इस पर तारीख बताएं जब ये बातचीत आगे बढ़ाई जा सके ताकि वर्तमान आंदोलन को शीघ्र समाप्त किया जा सके। सरकार के साथ शेयर गेट की बात हो चुकी है। लास्ट बात मैंने शामिल सा 13 किसान आगुओं के नाल अमित शाह ने गलबात की थी रात को। उस गलबात के बाद उन्होंने कहा भी आपको बुलाएंगे, आपको अभी जल्दी सदांगे, आपको अभी कुछ तजवीजा भेजांगे, वो आप देखो। वो उन्होंने तजवीजा भेजिया, असि उनको रद्द कर दिया। तजवीजा जो हमने माना नहीं गा कि इन्हों जे बिल आना रद्द करो, वो भी तुम सौदा की चाहते जो असि रद्द कर दिया। हमने प्रस्ताव पाया वा, देर बाद असी कहने भी सरकार जी उन्हें आप ही पेंडामोनियम क्रिएट किया। असी कोई बाईकाट नहीं किया, कोई साड़ी इस तरह की मंशा नहीं, अही सरकार दे नाल शुरू तो गलबात करते रहे हैं। तो डटे हुए किसान आंदोलन पर और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। हमारे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम साहब आ गए हैं। आप सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिंह टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोहिनी मोहन मिश्रा जी आ गए हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के। तो आप सभी से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है और किसानों का इस पर क्या जवाब है, एक बार ये सुन लेते हैं। किसान कानून है कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए आजादी होनी चाहिए, बस। तो क्या चाहते हैं मोदी जी? किसानों को आजादी मिलनी चाहिए, मंडी हो तो मंडी में बेचो या बाहर बेचो। और न किसी किसान की जमीन जाएगी, न किसी की मान की जमीन का लीज होगा, न किसी जमान का कुछ और होगा। तो किसान की जमीन ठीक, किसान के लिए अवसर ठीक, किसान खेती में आगे बढ़े, ये पूरी कहानी है। एक तो है कि भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेंगे, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करें, वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, तो उस पर एक दिन का भोजन वो त्याग सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले टिकैत साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सरकार ने चिट्ठी भेजी है और गेंद अब आपके पाले में है, आप क्या करेंगे अब? चिट्ठी भेजी, वो आ जाएगी चिट्ठी तो उसका जवाब दे देंगे। नहीं, उन्होंने जब सरकार बात नहीं कर रही, तारीख क्या है, कब बातचीत करेंगे? वहाँ पे भी 6 दौर की बातचीत हुई जी, हम तो बात करवा दो आप हमारी, हम काम नहीं कर रहे हैं बात से। लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि हम कानून तो वापसी नहीं करेंगे,
और बात कर लो तो ये थोड़ा होता है भाई, बंद कमरे में क्या बात होगी, आप उसको पहले ही उजागर कर रहे हैं। आपने अपना फैसला सुना दिया तो भाई किसान ने भी अपना फैसला सुना दिया कि हमें बिल वापसी से कम पे मंजूर नहीं है, हमको हमने बता दिया अपना। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले कानून वापस होगा उसी के बाद बातचीत होगी, ये क्या पहली शर्त है आपकी? जी है जी, आपकी क्या ये शर्त है कि पहले कानून वापस होगा उसके बाद ही आप बात करेंगे? ना ना, हमारी कहां शर्त है, इनकी है शर्त। ये तो ये कह रहे कि कानून तो वापसी होगा नहीं और बात कर लो, ये पहले क्यों कंडीशन लगा रहे हैं? ये पहले सरकार लगा रही है ना, सरकार के सारे मंत्री संतरी सब लग गए इसी धंधे पे। अरे अपना काम करो, जो 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 आपकी ड्यूटी है भाई उस पर काम करो। इसमें तो कृषि मंत्री को इनको छोड़ दो, क्या सारा कुनबा सरकार का इसी काम पर लग गया? अभी तो ये जा रहे गांव में जा रहे, अभी वहां से जो अपना समर्थन है वो जुटा रहे, उनको भी धरना दुआ दो यहाँ पे। कल तो दुआ था गाजियाबाद में धरना, क्यों चले गए वे किसान रात को? मतलब चार चार हजार रुपये ट्रैक्टर को दे कर जाओगे, उनको बहका कर जाओगे कि किसान आंदोलन में जा रहे, और मेरठ और गाजियाबाद में आने के उनके आप बैनर बदलोगे, उनको शराब पिलाओगे और उनसे आप आंदोलन करवाओगे कि हमारे समर्थन में, क्यों भाग गए वापसी रात को? बीजेपी के कार्यालय में गाजियाबाद में उनका भोजन बनेगा, हमारे ट्रैक्टर को आने से रोकोगे और दूसरे ट्रैक्टर को आप रास्ता दोगे कि दिल्ली में चले जाओ वहां पर धरने में, और यहाँ पर आने के फिर उनके पोस्टर बदलोगे कि ये तो बिल के समर्थक के किसान हैं, उनको रोकते ना यही टेंट लगवा के। हम भी उनसे बात कर लेते भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास में है, कहाँ खेती बढ़िया हो रही, गंभीर आरोप लगा रहे हैं राकेश जी, बढ़िया बिक रही, हमको भी बता देते। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से ये है, तारीख और समय सरकार ने आपसे पूछा है चिट्ठी के जरिए भाई, कल तो आप लोगों के बीच में भी कोई बात हुई है? कार्यालय में किसका भोजन बना है जी? बातचीत को लेकर तारीख और समय क्या होगा, कोई अभी बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में आपस में? अच्छा, हम तो एक महीने से इसीलिए तो बैठे यहाँ पे कि हमारे साथ कोई सरकार बात करे भाई। तारीख समय और जगह तो वही बताएंगे ना कि भाई आप यहाँ पे आओ, आप लोग और नहीं बताएंगे, हम बैठ के बात करेंगे, आप लोग नहीं बताएंगे? आपसे हम पूछा है ना, हम तो कह रहे कि भाई हम तो कह रहे फिक्की सभागार में, हम तो कह रहे हैं ना हम किसान भी बैठ लेंगे भाई, 100-200 जैसे फिक्की के साथ में जो व्यापारी है उनके साथ में प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते हैं, तो हमारे भी उसी सभागार में कर लो मीटिंग, हम तो कह रहे हैं, मैंने किसने करा? ठीक है मोहिनी मोहन मिश्रा जी, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? सरकारें को बात, तारीख और समय अगर तय नहीं हो पाएगा तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? मिश्रा जी, नहीं देखिए, अगर सरकार आगे बढ़ रहा है तो किसान संगठन जो पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान बंधु अपना यहाँ बैठे हैं तो वो भी दो कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये किसान का कोई आखिरी लड़ाई नहीं है, वो पहला लड़ाई नहीं है, किसान समस्या के घेरे में है, लड़ रहा है, बीच बीच में लड़ रहा है, समस्या का समाधान के ओर भी विषय जा रहा है, ये कोई आर पार की लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ओर लचीलापन दिखाते हुए ये जो कुछ किसान बंधु हरियाणा पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बैठे हैं उनका कुछ समस्या है उसको एड्रेस होना चाहिए। किसान बंधु भी अपने किसान नेता भी राकेश जी बहुत सुलझे हुए नेता है हम जानते हैं, तो वो भी एक कदम आगे बढ़ के रास्ता निकलना चाहिए। अगर बड़े मांग के साथ भी अगर कुछ भी मिलता है उसको लेते हुए फिर आगे बढ़ना, ठीक है, लड़ाई अभी खत्म नहीं होता है, सब किसान आपके साथ है लड़ाई में, इसलिए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसको वहीं रुकावट करके बैठना ये कोई किसान के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ठीक है जफर इस्लाम जी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसा लग रहा है कि फिल्म का जो ये डायलॉग है ये वास्तविकता के धरातल पर आ गया है, कैसे टूटेगा डेडलॉक? और अलग से आरोप और लगा रहे हैं राकेश टिकैत जी। देखिए मीनाक्षी जी, राकेश टिकैत जी के साथ कई बार रहा है, हम रहे चैनल पे, कई बार हमारी चर्चा हुई है, लोगों हर चैनल पे उनको देखता हूँ। एक सवाल ही जो है वो पता नहीं क्यों राकेश जी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो तीनों कानून में कहाँ आपके लिए कोई चीज गलत है बता दीजिए, इसलिए कि एमएसपी जो है वो अलग है, आप अगर एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं तो एमएसपी के बारे में आप अलग से चर्चा कर लीजिए। सरकार तो आपके लिए दरवाजे खोल के रखे हुए है कि आप दरवाजे खोलिए,
हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि आपको आपको जहां जैसे मर्जी हो, मतलब अगर जैसे आपको आज ऐसे छोटी सी मिसाल दे रहे हैं कि अगर आपको खरीदार एक, खरीदार जो है दो है, बेचने वाला एक है, अगर अगर एक दुकान में जाके डायरेक्ट बेचता है और उसके जगह पर चार पांच दस दुकानें खोल दिया, तो जाहिर है उसको खरीदार बढ़ जाएंगे और दुकानदार तो एक ही है, बेचने वाला तो एक ही है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो किसान भाई बहनों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उनको ज्यादा मूल्य मिलेगा अपनी लागत का, ये सोच है। लेकिन फिर भी अगर अगर किसान भाई बहनों को ऐसा लगता है कि उससे उसके बारे में, चूंकि सरकार ने कोई इस पे छेड़खानी नहीं की एमएसपी पे, अलग से बात करना चाहिए, तो इस कानून से उसका क्या लेना देना, मैं ये नहीं समझ पा रहा इस कानून में क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके, जब ये चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आपका डिसीजन है, अगर आप घर में क्या सब्जी खरीद के लाते हैं वो आप डिसाइड करते हैं ना, सरकार थोड़ी डिसाइड करते, सरकार साधन देती है आपको कि भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप लोग डर क्यों रहे हैं उनसे। राकेश टिकैत जी ने सवाल पूछा कि आप लोग डर क्यों रहे हैं उनके, जो कुछ और समर्थन के लिए आ रहे थे किसान दूसरे हिस्सों से, क्यों उनको रोक दिया गया, वापस भेज दिया गया? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी न डरती है और न किसी को डराती है, हम समन्वय का रास्ता ढूंढते हैं बराबर, हम लोगों से चर्चा करते हैं, न चर्चा करते हैं, हम सिर्फ चर्चा करते हैं, ना किसी को डराने और डरने की बात करते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत से जो समाधान निकालने की बात करते हैं। अगर किसान भाई बहनों को कोई तकलीफ है तो उसका समाधान हम बातचीत से, चर्चा से ही निकाल पाएंगे। और इसी चर्चा के लिए चिट्ठी जो है वो संयुक्त सचिव की तरफ से भेजी गई है कि तारीख अगर किसान बताएं कि अगली बातचीत कब की जा सकती है तो बेहतर होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप चर्चा में आइए। प्रधानमंत्री ने जब एमपी के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने साफ स्पष्ट हमला किया है विपक्ष पर, ये कहते हुए कि जो काम आप नहीं कर पाए मोदी वो कर रहे हैं, इस बात की चिढ़ है आप लोगों को और विशुद्ध राजनीति हो रही है आंदोलन के नाम पर। चलिए, अब अगर नरेंद्र मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उनका ये आरोप भी शिरोधार्य है। हम मानते हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं और पहले से हम मानते हैं, हम उनके इस आरोप को स्वीकार करते हैं, एक बात। मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये वही किसान तो है ना जिन किसानों ने आपको सत्ता की गद्दी पर पहुंचाया, आप कह रहे हैं कि विपक्ष उनको भ्रम में फैला रहा है, तो क्या 2014, 2019 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भ्रम में किया था? इस तरीके की बातें करना, किसी के विवेक के ऊपर आरोप लगाना कि वो विवेकहीन है, ये बहुत ही गलत बात है। मीनाक्षी जी, हम आपसे दो तीन बातें स्पष्ट कह रहे हैं कि आप इस तरीके के कुतर्क मत कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, किसान अगर आपके दर पर आया है बात करने के लिए आया है तो 24 घंटे उपलब्ध है बात करने के लिए, वो दिल्ली आया ही बात करने के लिए। आप वो बताइए, वो दिल्ली क्या करने आया है? दिल्ली तो आप प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए आया है ना, सिंघू बॉर्डर पर, वो टिकरी बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी, अब ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं। क्या कोई किसान के उसके लिए सरकार चिट्ठी तो लिख रही है, क्या सरकार वहां पर गई? क्या सरकार ने कोई खाने पीने की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनसे कोई बातचीत उनके जगह पर की? वो तो 24 घंटे बातचीत के लिए उपलब्ध है, आप कह रहे हो कि चिट्ठी लिखिए। अब यहां पर अगर सरकार के ऊपर किसान को विश्वास नहीं है, 2000 ठीक है, चलिए आपके इस सवाल पर मैं जवाब लूंगी जफर इस्लाम जी से। एक बार कुणाल के पास भी चल लेते हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद है। कुणाल दिखाइए, 11 बजे से उपवास की शुरुआत होनी है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा, क्या तस्वीर अभी देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, तस्वीर यहां पे यही है कि जो 24 घंटे का उपवास है किसानों का, वो शुरू हो चुका है और गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान इस वक्त अनशन पे बैठे हैं और ये एक रोटेशनल उपवास होगा, हर 24 घंटे पर लोग बदलेंगे। क्या आप लोगों की मांग है और कब तक आप उपवास करेंगे? जो कमे जो हमारे उनका निर्णय है कमेटी का, जब तक हम तो साबत जीवन भी रहने को तैयार है। हम कुछ किसान नेताओं से और बात करते हैं कि क्या उनकी डिमांड है, आखिरकार आप लोगों ने क्या कुछ तय किया है, क्या रूपरेखा है? आज हम जो है, कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे कि आज पूरे पांचों जो बॉर्डर हैं उन पर किसान 24 घंटे की रोटेशनल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसी क्रम में आज हम इस गाजीपुर बॉर्डर पर जो है 11 लोग सुबह 8 बजे से हंगर स्ट्राइक पर हैं। 23 तारीख को किसान दिवस पर देश भर का लोगों से आह्वान हुआ है कि आप एक समय का अन्न जो है वो किसान हित में त्यागिए,
ये कार्यक्रम है 25-26 को एनडीए के घटक दलों को घेरने का कार्यक्रम है, 27 तारीख को जो है मोदी जी मन की बात करेंगे तो प्रतिरोध में हम ताली और थाली बजाई जाएगी पूरे देश भर में। ये कार्यक्रम जो है तय हुए हैं संयुक्त मोर्चे की ओर से। बार तरीके से मीनाक्षी कार्यक्रम तय है, रोटेशनल स्ट्राइक चलेगा, लोगों को भी जोड़ने का आह्वान है कि चौधरी चरण सिंह की जो जन्म तिथि है उस पर हर कोई एक समय का खाना छोड़े, मन की बात में थाली बजाएंगे, ऐसा किसानों का कहना है। तो एक पूरी रूपरेखा यहां तैयार है। फिलहाल 11 जो किसान हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। आगे भी नजर बनाए रखें, आंदोलन जो है लगातार वहां पर जारी है और उपवास आज किया जा रहा है, 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। आंदोलन का आज 26वां दिन है और सवाल ये बना हुआ है कि आखिर बातचीत का रास्ता खुलेगा भी या नहीं। सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी भेजी गई है और ये कहा गया है कि किसान बताएं अब अगली तारीख जब बातचीत की जा सकती है, लेकिन इस बीच आपको ये अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बातचीत का रास्ता खुलता अभी तक तो नहीं दिखा है क्योंकि इससे पहले जितने भी दौर की वार्ताएं हुई वो बेनतीजा रहीं। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि सरकार पहले कानून वापस लेने की बात मांगे, अब बिना शर्त के ये बातचीत आगे बढ़े तब जाकर बातचीत का रास्ता खुलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। किसान आंदोलन का 26वां दिन, गतिरोध टूटता नहीं दिखाई दे रहा है सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच। आपको सुनवाते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में मौजूद थे तो किसानों के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने क्या कहा। मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से। जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। टिकैत साहब, देखिए जो गृहमंत्री कह रहे हैं, ये सवाल मैं इससे पहले भी कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन प्रधानमंत्रियों, गृहमंत्रियों, बाकी मंत्रियों सबने सिरे से एक बात की है कि हम समाधान चाहते हैं, क्यों आप लोग नहीं भरोसा कर रहे हैं? तो हम कहाँ गए, हम समाधान नहीं चाहते, हम भी तो चाहते हैं कि समाधान हो। हमने तो कहा है कि हल निकाल लेंगे, यही तो कहा हमने भी। नहीं, आप लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि हल चाहते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। जब टोल खोलने की बात होती है, जब बॉर्डर्स को जाम करने की बात होती है, तो ये तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ना आप लोगों की तरफ से? नहीं नहीं, हमने कहा बॉर्डर जाम करे, बताओ कहा करे भाई। हम तो दिल्ली वोट क्लब पाना चाहते हैं, आज से 32 साल पहले भी हम वहीं आए, हमको वहां जाने दो भाई। रास्ते तो पुलिस ने बंद करे, हमको ये बैरिकेटिंग लेकर आए बाहर से, पंजाब से, या कोई उस पर लिख रहा हो। अगर दिल्ली पुलिस ना वहां लिख रहा हो या हरियाणा पुलिस ना लिख रहा हो, मतलब खट्टर सरकार के खिलाफ आंदोलन थोड़ा था। उसने सड़क क्यों खोद दी, नेशनल हाईवे को डैमेज उसने करा। हम तो बात ही तो करने सरकार से आ रहे हैं, सरकार को 7 साल से तलाश करते हुए आ रहे हैं कि कहाँ रहती है सरकार। हम बात करने आए, 6 दौर की बातचीत हुई, हमने किसको करा है। लेकिन ये कंडीशन कहाँ से आएगी कि बिल वापसी तो होंगे नहीं, बातचीत कर लो। तो अपने स्टेटमेंट में कई बार ये कह चुके हैं कि बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, कमरे में, और उन्होंने तो विपक्ष को लेकर भी ये कहा। चाहे अगर उदाहरण के तौर पर देखें, हरसिमरत कौर है, केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने कैसे यू टर्न लिया ये देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पहले गजट में दिल्ली में कानून आ गया, लेकिन उसके बाद वो कानून की कॉपी विधानसभा में फाड़ रहे हैं, और यही लोग हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री कि विपक्ष आपको भरमा रहा है किसानों को। भाई सरकार उनपे, भाई सरकार उनपे कार्रवाई कर ले, हम क्या करें उसमें। अगर मुख्यमंत्री की उनकी लड़ाई है, ये इलेक्शन की लड़ाई है, इलेक्शन की लड़ाई किसान में क्यों तब्दील करते हो, अपना लड़ो आप जहां लड़ना है। हमारा मकसद ये है कि बिल वापसी हो, जिन इशू पे मुद्दा चल रहा है, एमएसपी पे कानून बन जाए। सरकार तो एक पा भी आगे नहीं रख रही। टिकैत साहब, मेरे पास आपका भी एक स्टेटमेंट है, ये अभी ना और लगेंगे, महीना 10 दिन लगेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले कुछ और बयान दिए जा रहे थे, इनको कहीं खालिस्तानी बताएंगे। सवाल सुनिए सर। हाँ जी बताओ। सवाल ये है कि ऐसी एक छवि बनती जा रही है कि पहले कुछ और बयान दिए गए और अब किसान आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने के लिए अलग कदम उठाए जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट देखिए आपका भी है, जिस समय अध्यादेश आया, कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी, तो उस समय आपने इस कदम का स्वागत किया था और ये कहा था कि भारतीय किसान यूनियन की वर्षों पुरानी मांग जो है वो पूरी हो गई है और आज आप आंदोलन पर बैठे हैं। अच्छा, इन दो बातों का फर्क कैसे समझे देश? अच्छा, आंदोलन करने का राइट नहीं हमको, हमें भी जोड़ दो ना,
हमने ये कहा था, अगर पूरा बयान आप पढ़ लो, हमने कहा कि प्रधानमंत्री की बहुत योजनाएं ठीक है, उन हम किसानों को भी उस योजना से जोड़ दो, हम भी स्वागत कर लेंगे। ये कहा था अगर लिखने पढ़ने में कोई भाई, जो हम भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को आप समझते नहीं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया कैंपेन योजना ठीक है, हम भी स्वागत कर लेंगे ना उनकी योजना का, हमको भी उससे जोड़ दो भाई। यही तो कहा हमने, आपने वह योजना तो काट दी और इसको बिल को लगा दिया कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का स्वागत करा। भाई प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि डिजिटल इंडिया से सबको जुड़ना चाहिए, डिजिटल कैंपेन से, तो हमको भी जोड़ दो। हमारा जो गन्ने का भुगतान है या दूसरा भुगतान है, और आप पहले उन्हीं फसलों को जोड़ दो जो MSP की फसलें हैं, जो 23-24 फसलें हैं, आप पहले उन्हीं किसानों को जोड़ दो। ठीक है जफर इस्लाम जी, एक साल में हम गन्ना देंगे, एक साल में भुगतान देंगे, ठीक है। हमने मैंने कहा कहा हम तो जो सरकार की योजनाएं हैं भाई, हमको भी तो जोड़ दो उनको, हम भी धन्यवाद देते हैं। चलिए जफर इस्लाम जी, हमको जुड़वा दो, प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे उनके ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी बोलिए। देखिए बड़े सामान्य तरीके से मैं पूछ रहा हूँ टिकैत साहब से, एक बार नहीं कई बार लोग भी पूछ रहे हैं उनसे, बार बार पूछ रहे हैं, किसान भाई बहन भी पूछ रहे हैं उनसे, उन्हीं के उन्हीं से किसान भाई बहन पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये बिल में क्या दिक्कत है। ठीक है MSP का बात अलग है, बिल अलग है, MSP की बात अगर आप करना भी चाहते हैं तो MSP की बात अलग से कीजिए ना, वो तो अलग है, सरकार तो दरवाजे खोले। और दूसरी बात कि आपने सही कहा मीनाक्षी जी, टिकैत साहब ने स्वागत किया था जून में जब अध्यादेश आया था तब स्वागत किया था, लेकिन अब अगर उनका उनकी मन बदला तो भी सरकार बदलते हुए मन का भी सम्मान करते हुए उनसे वार्ता और लाभ करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है और उसका समाधान ढूंढना चाहती है। लेकिन मुझे एक चीज कहना पड़ेगा कि देखिए आधार है बिल को, बिल पे आपके कोई टिका टिप्पणी नहीं है, आपके MSP पे टिका टिप्पणी, जिसका बिल से कोई लेना देना नहीं। यही जो सब लोगों को जो आश्चर्य हो रहा है कि आप बार बार बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिल में तो आपके कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन बताइए बिल पे, जो ऑब्जर्वेशन है आपको क्लैरिफिकेशन भी आ गया, मीटिंग में आपके सारी चीजें आ गई, लेटर भी इतना विस्तार से लिखा है जो कृषि मंत्री जी ने, तो सारी चीजें तो आपके सामने रख दी, लेकिन फिर भी आप बिल वापस करने में ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है राजनीतिकरण हो रहा है इसमें। ठीक है मैं एक सवाल में से और जोड़ना चाहती हूँ जफर इस्लाम जी, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और ये दिसंबर का जो महीना है हम देख रहे हैं, शनिवार को भी कितना टेम्परेचर गया है, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है दिल्ली NCR में, जिस तरह की परिस्थितियां जमीन पर दिखाई दे रही हैं, क्या सरकार में अंदर खाने कोई ऐसी चर्चा कि कम से कम अगले 3-4 महीने के लिए टाल दिया जाए, इतना समय ले लिया जाए समझाने बुझाने में या बातचीत का चैनल खोलने में? देखिए चूंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा पूरा जो है, टिकैत साहब अगर इस पर कोई रोशनी डाल पाए, आपके चैनल पे अभी हम उनसे पूछ रहे हैं कि MSP की अगर बात कर रहे हैं तो MSP की बात करने के लिए दरवाजे खोल दिए, भाई आओ बात करेंगे, जो आश्वासन देना था दिया उन्होंने। अब अगर बिल को वापस लेने की बात जब करते हैं तो बिल पे कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, उसका कोई MSP से लेना देना नहीं, तो इस कानून को कुछ समय के लिए टाल सकती है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मुद्दा राजनीतिक है के किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा होता तो टिकैत साहब बोलते भाई ये बिल में ये चीज ये खामी है, भाई घर में जाते हैं आपको घर खरीदा है सपोज करो तो आप उसमें देखते ये खामी है ठीक करो, कानून को टालने पर विचार कर सकते हैं क्या सर? नहीं टालने की मतलब कानून तो पारित हो चुका है, टालने की क्या बात है, कानून तो इनके हित में है, हमारी सरकार ने तो शुरू 2014 से इनके ही हित में काम किया है और आप ही आगे भी करेंगे। टिकैत साहब जानते हैं अच्छे से, दिल से जानते हैं कि यही एक प्रधानमंत्री जिन्होंने इनकी सेवा करने की ठीक है टिकैत साहब उसपे जवाब देंगे। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी देखिए सवाल जो सरकार के पक्ष की तरफ से भी बार बार हो रहा है, आप लोगों ने तो ज्यादा समय सरकार में बिताया है, व्यवहारिक दिक्कतें भी तो कुछ होंगी ना, अगर कानून वापस लेने की बात हो रही है जो चीज संसद से पास हुई है उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? संशोधन मुमकिन है, जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं, तो फिर क्यों आप लोग ये मांग उठा रहे हैं कि कानून वापस लो? मीनाक्षी जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा, किसान मांग उठा रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है और किसान कई बार ये बता चुके हैं कैसे हित में नहीं है। सरकार क्या कह रही है कि नमक भी सफेद है और चीनी भी सफेद है और नमक की मुट्ठी भर करके किसानों के मुंह में डाल रही कि ये चीनी है खाइए, और किसान स्वाद के बाद कह रहा है कि साहब ये चीनी नहीं है नमक है, मर जाएंगे इससे।
आप मेरी बात को समझिए कि जिस दिन से ये कानून आया है, मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया प्रधानमंत्री जी ने, और मध्य प्रदेश में से 269 जो मंडियां थी उसमें से 47 बंद हो गई, इस कानून के बाद तुरंत बंद हो गई। इस कानून को लेकर के चाहे वो क्या नाम मंडियों एपीएमसी एक्ट के संशोधन को लेकर के हो, उसका खात्मा हो, चाहे वो अडानी और अंबानी के पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, अडानी अंबानी का मतलब बड़े उद्योगपति, उनके पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, आप कह रहे हैं कि कानून में सब कुछ गलत है, आर्टिकल एन, आप ये कह रहे हैं कि कानून में सब कुछ गलत है राजपूत जी? कानून में सब कुछ गलत नहीं, कानून में बहुतायत रूप से गलत है। ठीक है, तो जो गलत है उसे सही करने के लिए संशोधन क्या आपको सही रास्ता लगता है? मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब तक संशोधन नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार को विश्वास बहाली के लिए किसान संगठनों की इस बात को मानने में क्या दिक्कत है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑब्जर्वेशन दिया है कि आप इस कानून को पहले स्थगित कीजिए, सब लोगों को भरोसे में लीजिए, अगर सब लोग भरोसे में आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी अपने आप भरोसे में आ जाएगी। किसान को चीनी के नाम पर नमक क्यों खिला रहे हैं ये समझ से बाहर की बात है। जफर इस्लाम साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राकेश टिकैत जी से, मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ रहा हूं कि सरकार इतने अहंकार में क्यों है? जिन लोगों के हक के लिए हकूक के लिए आप कानून ला रहे हैं उन्हीं लोगों को, वो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। देखिए वही सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जफर इस्लाम जी यही मैं पूछ रही थी कि क्या कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता है, 3 महीने 4 महीने कोई ऐसी समय सीमा ताकि अभी जो परिस्थितियां हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ किया जा सके, आसान किया जा सके? सलाह दे दो जी। ठीक है, अच्छा मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए जफर इस्लाम जी। देखिए मैं, वो सरकार का फैसला होगा, मैं सरकार के बारे में उसकी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए सरकार, वो सरकारी बिल पारित हो चुका है, अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला लेना है तो वो प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन बिल पारित होने के बाद अगर कोई संशोधन की बात है, कुछ चेंज चाहिए, उसके लिए हम सरकार बिल्कुल रास्ते पर है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, ये जो अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता है कि भैया ये आप करते होंगे इस तरह से, 70 से 14 2014 तक आप देख लीजिए किसानों की जो बेहाली का नमूना आपने पेश किया है वो, उसको आपका श्रेय आपकी सरकार को, कांग्रेस और यूपीए सरकार को जाता है। तो मुंह खोलने से पहले अपने गरिमा में झांक लिया कीजिए कि आपने क्या किया उनके लिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें जो भाषण दे रहे हैं, कम से कम अपने एक्सपर्ट रिपोर्ट के बारे में और सारे चारी चीजें देख लीजिए, तो कम से कम आंखें खोलेंगे आईना दिखेगा। फिर मुझे ब्रेक ले जाना पड़ेगा, बोलिए टिकैत साहब। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे आप इनको ज्ञान बांट रही है 3 महीने के लिए टाल दो, और ये तो ये चाह रहे हैं भाई गेहूँ की खरीद अब थोड़ा होगी, गेहूँ की खरीद तो मार्च में शुरू होगी, इतने ये बिल टाल देंगे और वह फिर अपना लुटेंगे किसानों को, ये बिल वापसी होगा, ये टले टूटा ना, नहीं ये ज्ञान प्राप्ति दो इनको किसी को, ये वापसी होगा। ठीक है, इनको वापसी लेना पड़ेगा, एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। टिकैत साहब आप लोग कह रहे हैं कि बात कानून बात होगी ही नहीं जब तक कानून वापस नहीं होता, मेरा सवाल आपसे एक और भी है, एमएसपी कह रहे हैं किसानों के साथ पूरे देश की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा कि जब आप गेहूं खरीद करोगे सभी की संवेदनाएं किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं पूरे देश की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 25 दिन बीत गए हैं, बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सर्दी का सितम देखिए, बॉर्डर बंद होने से आम लोगों की परेशानी भी तो है ना, ये अभी एक महीना लेगी सरकार, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा अगर थोड़ा सा 26 तारीख को करेगी इसको 26 तारीख से पहले आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे रास्ता खुलेगा बातचीत का? ये हम दिखाएंगे नरमी, इन्होंने किसानों को खालिस्तान नहीं बताया, किसानों को पाकिस्तान नहीं बताया, हम दिखाओगे नरमी 26 तारीख में हम यहाँ से यात्रा लेकर चलेंगे तिरंगे झंडे लगा के। ठीक है, चाहूंगी अब आंदोलन तो और बड़ा ही होगा आने वाले दिनों में, तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गतिरोध टूटने का सूरत हाल दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी बड़ा होगा। हाँ जी मीनाक्षी जी, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं भाई हमारे, दबाव बने रहे, बात भी करे और मांग एकदम स्पष्ट करे, ये बिल में क्या समस्या है, ये देश भी हमारा है, सारा सरकार भी हमारा है, किसान समाज भी हमारा है, ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे पीछे कानून के कारण अभी थोड़ा बहुत लागू नहीं हुआ, जिन मुद्दों को लेकर विरोध शुरू हुआ था किसान कानून में वो मुद्दे कहीं पीछे छूट गए, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हमको तो मुद्दे भी, हम 4 मांग लेकर अभी भी उसके पीछे पड़े हैं, उसके बगैर ये जो मुद्दे कहाँ कहाँ भटक रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है,
देश भर में जो छोटे जोत वाला किसान है, जो वनवासी किसान है, जो भूमिहीन किसान है, वो इसको स्वागत कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है और हजार प्रकार की फसलें हो रहे हैं, ठीक है, और कई लाखों करोड़ के किसान मंडी नहीं जाते हैं। माफ कीजिए सर, रोक रही हूं आपको, मेरे पास समय की कमी थी, ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद फिर वही कि कम से कम ये गतिरोध टूटे, बातचीत का रास्ता आगे बढ़े, क्योंकि सर्दी के इस समय में जब खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हैं। 26वां दिन है किसान आंदोलन का और ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि कल ही सरकार की तरफ से एक चिट्ठी और भेजी गई है जिसमें तारीख पूछी गई है अगली बातचीत की, लेकिन किसानों का ये कहना है कि आंदोलन अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।